मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सिलिकॉन वैली, हमने नाम सुना है, जी यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा शहर है जो कंप्यूटर हब है, वहाँ का आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है। तो वहां पर एक बात चलती है, वो बात कहते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस प्लान एक पेज में समेट सकते हैं, अगर आप अपना बिजनेस प्लान, बहुत अच्छी बात है, बहुत गौर करने की बात है, एक पेज में समेट सकते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस हाईएस्ट है। और अगर आपको 50 पेज लग रहे हैं अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए, तो माफ कीजिएगा, बिजनेस आपके लिए नहीं है। और मैं जो यंग हमारा यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, बर्डिंग हमारे कारोबारी यूथ है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने घर वालों के पास भी जाएं तो ट्रीट देम एज एन इन्वेस्टर, उनको इन्वेस्टर समझें। आपका रिश्ता उनका वालदा का, वालिद का, मामू का, चाचा का है, यकीनी तौर पर है, वो रिश्ते पर असर नहीं आना चाहिए। इसलिए बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ओके, साफ गो बनने की कोशिश करिए। तो फवाद साहब, क्या आप यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप रोशनी डालना चाहते हैं कि आप उन्हें भी एज ए इन्वेस्टर लें तो उन्हें भी प्रॉफिट दें? यकीनी तौर पे। अच्छा, आप उनके सामने प्रपोजल लेके जाइए ना कि आप मेरे पार्टनर हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं, कौन करेगा, किसको रिटर्न नहीं चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे? साफ गोही की बात चल रही थी, मैं उसको पूरा कर देता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों, खिताब किससे? अच्छा, बहुत मजे की बात है, अल्लाह ताला खिताब किससे कर रहा है? तिजारत वाली आयत पे खिताब किससे कर रहा था? ईमान वालों से। यहाँ पर किससे कर रहा है? ईमान वालों से। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, और जब भी बोलो सीधी सच्ची बात बोलो, वो बात बोलो जो अपराइट है, जो करेक्ट है। घुमा फिरा के इधर उधर और लाग लपेट की बात मत बोलो, वो बात में कभी सच्चाई नहीं होगी, कभी उससे कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह का हुक्म है, वकूलू कौलन सदीदा, युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ान अज़ीमा। इसका इम्पैक्ट क्या है? हम तुम्हारे आमाल की इस्लाह करेंगे, आमाल को सुधार देंगे, गुनाहों से माफ कर देंगे, और यकीनी तौर पर जिसने अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत की उसके लिए बहुत अजीम कामयाबी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि जितना साफगो हो सके, और सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में, किसी डील में, किसी अग्रीमेंट में जाओ, उसे लिख लो सही और एक गवाह बना लो। तो जाहिर है कि आप अपने वालिद के पास, वालदा के पास या रिश्तेदार के पास अगर जाते हैं तो पूरा प्रपोजल लेके जाइए। मैं नहीं कहता कि एक बहुत बड़ा सा प्रपोजल होना चाहिए, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, लेकिन कम से कम अगर आप अपना बिजनेस लिख नहीं पा रहे हैं पेपर पे, इफ यू कैन नॉट राइट योर बिजनेस ऑन पेपर, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे कि मैं किस मार्केट को कैटर कर पाऊंगा, तो शायद बिजनेस आपके लिए नहीं है। कम से कम आप अपने बिजनेस को लिखिए, प्रोजेक्शन लिखिए उसके, और जब भी आप जाएं किसी रिश्तेदार के पास, क्योंकि पहली फंडिंग रिश्तेदार करता है। इस चीज में एक और दूसरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, देखिए जो स्काई डाइवर्स होते हैं ना, या जो ऐसे लोग होते हैं, उनको तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जंप मारने की कोशिश करते हैं, जंपिंग का, जिन्हें डाइविंग वगैरह का शौक रहता है, जंपिंग का, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उनका शौक होता है, तो जंप मारने की कोशिश करते हैं। वो जंप मारते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर, ठीक है, और बहुत से लोग अहमकाना बात करते हुए उनको देखा देखी जंप मारने लगते हैं। जंप मारने वाला इंसान कौन सा अच्छा है? कि वो इंसान अच्छा है कि जिसको जमीन दिख रही है वो जंप मार रहा है, या वो इंसान अच्छा है कि जिसको जमीन नहीं दिख रही है वो जंप मार रहा है? खालिद भाई, जी जी, वो इंसान ज्यादा बेहतर है कि जो जमीन देख करके जंप मारेगा। जंप मारे मैक्सिमम क्या होगा, शायद पैर टूट जाएगा या नहीं भी टूटेगा, अल्लाह आसान करेगा उसके लिए। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको जमीन दिख ही नहीं रही है और वो जंप मार दे, क्या चांसेस है उसके बचने के? भी बिल्कुल नहीं, शायद 0.01% चांसेस हो सकते हैं कि वो बच जाए। वही पहल बिजनेस का है, आप एक अपना बेस तो बनाइए, एक कैपिटल का बेस तो बनाइए कि हाँ मुझे जो जंप मारना है, मेरा मैक्सिमम लॉस का जो टेस्ट है वो इतना है। मैं अगर 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ तो मैक्सिमम जो मैं लॉस झेल सकता हूँ 50,000-60,000 का मैं झेल सकता हूँ। तो एक पूरा प्रेजेंटेशन प्रॉपरली, बहुत सिंपल, मैं नहीं कह रहा कि बहुत टेक्निकल आपको वर्ड्स, बहुत ज्यादा कोई लीगल वर्ड्स उसमें, लीगल अल्फाज उसमें जोड़ने हैं, बहुत सिंपल करके प्रोजेक्शंस बनाइए और उनको बोलिए कि आप इन्वेस्टर के तौर पे मेरे साथ आए, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और बाकी आपकी प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स के ऊपर है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑनेस्टी, जितना ट्रांसपेरेंट, जितनी साफ गोई हो सके, कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहे, वो पूरे रिश्तेदारों में आप मत कर दीजिए उसको शुरू करने से पहले, क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, वाला पॉइंट आ जाएगा। और तीसरी बात, आपकी ईमानदारी, साफ गोही, आपकी सिद्दीकियत और अमानत, वो चीज जरूरी है, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात बताई नाज़िर। जैसा कि फवाद साहब ने बताया अभी अभी कि आप अपने प्रोजेक्ट को अगर पेपर पे आप नहीं लिख सकते हैं तो आप उस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं। यहाँ फिर से वो बात आएगी है कि आपको अपने साथ में पेपर और पेन रखना है। ये बात बहुत ही कीमती और बहुत ही खास है, इनको नोट करके रखिए, आपके फ्यूचर को संवार सकनी है। तो जैसा कि फवाद साहब ने बताया कि अगर आप प्रपोजल अपने पेरेंट्स के सामने भी लेके जा रहे हैं तो उनको आप बताइए बेफिक्र होके कि मैं आपको एज ए इन्वेस्टर लेना चाह रहा हूँ, और डेफिनेटली रिटर्न्स किसको पसंद नहीं है, और वो उनका पैसा भी, जो उनकी गाड़ी कमाई है, जो मेहनत की कमाई है, डेफिनेटली उनके अपने बेटे अपने भाई के हाथों में रहेगी तो ज़्यादा सेफ रहेगी। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को
और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।